ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। अच्छा सब, अब दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे टेस्ट हो रहा है और हमें भी टेस्ट करवाना है दोनों को, जो कैमरा पर्सन है और मैं। देखते हैं वहाँ पे कितना इजीनेस है टेस्ट करवाने को लेके, कितनी भीड़ भाड़ है, या गाइडलाइंस का कितना फॉलोअप किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, वो सारा हम रिकॉर्ड करेंगे। ये दूसरी तरफ है, चलते हैं। वो कोने में, कोने में जो पीपी किट पहने हुए हैं वहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है। अब याद कीजिए जो शुरुआत में हो रहा था, बॉक्स के अंदर से टेस्ट होता था, अब खुले में ही हो रहा है वो। पीपी किट भी जो है आगे आगे से पहना है। गर्मी है, ये चीज़ समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है इसके अंदर, अंदर हवा नहीं जाती है, दम घुटने लग जाता है। दोस्त, इसका रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है? क्या चीज़? इसका रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है टेस्ट का? यार वो अग्रोहा पे डिपेंड करता है कि उनके पास लोड कितना है। विशाल, अच्छा, यहाँ से सैंपल अग्रोहा भेजते हैं, दो तीन दिन का टाइम लग ही जाता है। और उसके बाद अगर किसी का पॉजिटिव आया तो उसका क्या किया जाता है? जिसका पॉजिटिव आता है उसके बाद उसको जो हमारी हेल्थ केयर टीम होती है MPHW वाली, मैं पास आ सकता हूँ अगर रिस्क उठा सकता है तो। सही है, हाँ बताइए तेरे ऊपर है। जो हमारी फिर MPHW वाली टीम है, हेल्थ टीम्स है हमारी, जो हेल्थ वर्कर्स वाली है, वो डिटेल्स उनको पास की जाती है, ठीक है। उसके बाद वो लोग जितने वो पेशेंट हैं उनको सीक्वेंस के साथ कॉल करके अप्राइज करते हैं कि आप पॉजिटिव हैं, उनका एड्रेस लेते हैं, उनका डिटेल्स लेते हैं, फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, वो सब प्रिपेयर करते हैं। फिर वो वहाँ की जो जिस एरिया में वो है उस एरिया की लोकल ANM, आशा वर्कर, नर्सिंग स्टाफ या अगर कोई PHC है तो उसको इन्फॉर्म करते हैं। वहाँ से फिर हेल्थ केयर की टीम जो उनके घर जाती है, जो उनको मॉनिटर करती है। फिर उसके बाद ये प्रोसीजर पूरा का पूरा सील जो करने का प्रोसेस पहले हो रहा था, अब भी वैसा ही चल रहा है, कुछ चेंज आया है उसमें? वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, ऑन रोड ऑन ग्राउंड रहते हैं वो लोग बता सकते हैं। वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट बताएगा, SDM साहब या वहाँ से पता चलेगा, बिकॉज हेल्थ डिपार्टमेंट सील नहीं करेगा ना, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। और टेस्ट कोई भी करवा सकते हैं हमें? आप अभी करो, ओके। और करवाने के लिए क्या इनसे ही पहले बात करना होगा? सबसे पहले आप पर्ची कटवाओगे। हाँ, पर्ची कटवा के वहाँ पे फ्लू क्लिनिक के अंदर एंट्री होगी। ओके, वहाँ पे आपकी लाइन लिस्टिंग बनेगी। हाँ, जिसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर के साथ यहाँ पे लिस्ट आएगी, जब यहाँ पे आएगी फिर वो उसका सैंपल होगा। कितनी देर का प्रोसेस है वो? डिपेंड करता है यार भीड़ कितनी है। ठीक है, शुक्रिया। ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कम है तो अराउंड 10 to 15 minutes। शुक्रिया। इसका पर्पज़ मेन ये है कि ताकि एक ही जगह पे भीड़ इकट्ठी ना हो। अगर मैं वहीं पे एंट्री करूंगा और वहीं सैंपल करूंगा तो वो सारे लोग इकट्ठे होंगे। अभी क्या है कि आपका सेग्रीगेट हो जाता है, अगर 20 लोग आए हैं तो 10 वहाँ एंट्री करा रहे होंगे, 10 का यहाँ सैंपल हो रहा होगा। मेन पर्पज़ ये है। थैंक यू। कोई बात, बहुत जोरी पापा नहीं सही है।